तब्दीली आ गई, खुदकुशी हराम है। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक बरस पड़े, बोले कि नियाजी साहब को फाइनेंस टीम पर एतबार नहीं था, खुद IMF के पास चले गए। PAC की चेयरमैनशिप छोड़ने की बातें दुरुस्त नहीं, इसी हवाले से तफसील जानने के दानियाल राठौर से। दानियाल आगाह कीजिए, उनका मजीद क्या कहना था। मौजूद हूँ हल्का यानी 129 में, जहाँ साबिक स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक अपने हल्के में विजिट कर रहे हैं और मुख्तलिफ लोगों से मुलाकातें भी कर रहे हैं, उनके मसाइल भी जान रहे हैं और साथ साथ जो हल्के के लोग इंतकाल कर गए हैं उनके अहल खाना से इजहार ताज़ियत भी कर रहे हैं, अफसोस भी कर रहे हैं। सरदार अयाज सादिक से बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि जनाब हल्के में लाहौर में जैसे एक पहली रवायत हुआ करती थी कि आप जब भी लाहौर हुआ करते थे तो लोगों के बीच में होते थे, इस दफ़ा भी यही रवायत को शुरू किया गया है, क्या कहेंगे। हफ्ते में 3 दिन में यहाँ मिल जाए इलाके में निकल जाता हूँ, चूँकि 3 PPs हैं तो तीनों PPs कवर करता हूँ, कोशिश करता हूँ अपने दोस्तों से मुलाकात भी हो जाए, ताज़ियत भी हो जाए, जहाँ फतूदगियाँ हुई हैं वहाँ भी मैं चला जाऊँ। फिर सुनने में ये काफ़ी आता है कि जी गैस के बिल इतने आ गए, तो मैं यही उनसे कहता हूँ जी तब्दीली आ गई। तब्दीली तो आ गई है, एक जुमला हम सुना करते थे कि कर्ज़ा नहीं लेंगे, IMF के पास नहीं जाएँगे, मैं ख़ुदकुशी कर लूँगा। आजकल वज़ीर आज़म IMF के पास खुद गए हैं, एक नई रवायत जो है उन्होंने जो है मुतारिफ़ करवाई है, तो आप IMF के पास जाने को इमरान खान की वो जो स्टेटमेंट थी, जो पॉलिटिकल स्टेटमेंट दिया करते थे, उस हवाले से क्या रद्दमल देंगे। देखें, जिस तरह अभी मलिक साहब ने फरमाया कि ख़ुदकुशी तो हराम है, तो हम तो कभी भी नहीं कहेंगे कि इमरान खान साहब अब ख़ुदकुशी कर लें, अल्लाह ताला उनको सेहत और ज़िंदगी दे, किसी का बुरा नहीं सोचना चाहिए, मगर उनका ख़ुद IMF के वहाँ जा के मिलना, ये पाकिस्तान के स्टेचर को उन्होंने धचका पहुँचाया है, पाकिस्तान के स्टेचर को नीचे किया है। अगर IMF का प्रेसिडेंट या वो खातून आती या मिलने तो कोई हर्ज नहीं थी, मगर वहाँ जा के मिलना। दूसरा, उन्होंने अपनी फाइनेंस की टीम और फाइनेंस मिनिस्टर के ऊपर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस किया है नियाजी साहब ने। मुस्लिम लीग नून के जो सदर हैं शहबाज शरीफ को पब्लिक अकाउंट कमेटी का चेयरमैनशिप दे दी गई और बाद में अब ये बातें चल रही हैं कि उनको इस्तीफ़ा दे देना चाहिए, वो नैब को तलब कर लेते हैं, तो क्या आप समझते हैं, क्योंकि आप भी उसी असम्बली को कस्टोडियन रहे हैं, साबिक स्पीकर रहे हैं, तो क्या आप समझते हैं कि क्या इतना ही ज़रूरी है कि शहबाज शरीफ से इस्तीफ़ा ले लेना चाहिए। देखें, शहबाज शरीफ साहब पर कोई चीज़ साबित नहीं हुई, अभी इन्वेस्टिगेशन हो रही है, और इमरान खान साहब के ऊपर भी साबित नहीं हुई, इन्वेस्टिगेशन हो रही है, परवेज़ खटक साहब के ऊपर भी साबित नहीं हुई, इन्वेस्टिगेशन हो रही है, तो इनको भी चाहिए कि अगर वो इनको यहाँ से चेयरमैनशिप से हटा रहे हैं तो उनको वजारत उज़्मा की कुर्सी से भी हट जाना चाहिए और परवेज़ खटक साहब को भी डिफेंस मिनिस्ट्री से हट जाना चाहिए, चूँकि वो भी अंडर इन्वेस्टिगेशन है नैब में। जी, आपने गुफ्तगू सुनी सरदार अयाज सादिक की, साबिक स्पीकर हैं, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं, PAC की चेयरमैनशिप के हवाले से इनका यही कहना है कि अगर वाकई में समझते हैं वज़ीर आज़म को भी इस्तीफ़ा देना चाहिए और साथ साथ वज़ीर दफा को भी इस्तीफ़ा देना चाहिए, दूसरी तरफ उन लोगों को भी ख्याल करना चाहिए जो ये स्टेटमेंट देते थे कि कशकोल नहीं लेके जाएंगे, मुल्क को आगे चलना चाहिए, ऑपोजिशन मुकम्मल तौर पर तावन करेगी, मगर मुल्क आगे चलेगा तो हुकूमत का साथ भी दिया जाएगा, वरना ठीक है। दानियाल, बहुत शुक्रिया।